टीवी रियलिटी शो बिग बॉस को टेलीविजन का सबसे बड़ा कंट्रोवर्शियल शो कहा जाता है, और कहे भी क्यों ना, ये शो अपने हर सीजन में इस बात को साबित भी कर देता है। बिग बॉस के हर सीजन में एक से बढ़कर एक धमाल देखने को मिलता है। शो में कंटेस्टेंट के बीच के विवादों के अलावा लगभग हर सीजन में शो के विनर को लेकर भी काफ़ी बवाल देखने को मिलता है। बिग बॉस 16 के विनर एमसी स्टैन को लेकर भी काफ़ी बवाल मचा हुआ था। फैंस उन्हें अनडिजर्विंग विनर बता रहे थे। ऐसे ही कुछ मंजर हमें 3 साल पहले बिग बॉस 13 के वक्त भी देखने को मिला था, जब सिद्धार्थ शुक्ला के जीतने पर विवाद शुरू हो गया था। हालांकि ये बात हम नहीं बल्कि खुद आसिम रियाज कहते हैं। हाल ही में आसिम ने एक इंटरव्यू के दौरान एक बड़ा खुलासा किया है, जिसमें उन्होंने बिग बॉस 13 के विनर के फैसले को एक धांधली का नाम दिया है। हाल ही में सिद्धार्थ कन्नड़ के साथ आसिम रियाज ने एक इंटरव्यू किया, जिसमें उन्होंने एक के बाद एक नए खुलासे किए। आसिम ने बताया कि उन्हें पहले बिग बॉस के लिए सिलेक्ट नहीं किया गया था, लेकिन बाद में उन्हें ये मौका मिल गया। वहीं इसके बाद उन्होंने बिग बॉस 13 विनर के फैसले को लेकर कहा कि मेकर्स नहीं चाहते थे कि मैं बिग बॉस जीतूं। और मेरे दौरान उन्होंने क्या किया, जस्ट बिकॉज दे डिडंट वांटेड मी टू विन। हाँ जी भाई, आज हम ये क्या खोलेंगे, ऑनलाइन वोटिंग होता है ना, ऑनलाइन वोटिंग खोल देंगे 15 मिनट के दौरान, जिताना है जिताओ जिसको। कम ऑन मैन, जस्ट से यू डोंट वांट टू मेक मी विन, इट्स ओके, यू मेड इट सो ऑब्वियस दैट वी हैड टू बिलीव दैट यू डिड इट, व्हाटएवर, यू नो, बट आई वाज लाइक इट्स ओके, इट्स ओके। इसके बाद उन्होंने बिग बॉस पर तंज करते हुए कहा, हाँ जी भाई, आज हम ऑनलाइन वोटिंग खोल देंगे 15 मिनट के लिए, जिताना है जिताओ जिसको। अरे यार, बस इतना कहो ना कि तुम मुझे जिताना नहीं चाहते, और कोई बात नहीं। आपने इसे इतना क्लियर कर दिया कि बाद में हमें विश्वास करना पड़ा कि आपने जो कुछ भी किया था, अब जो कुछ हुआ वो ठीक है। अब ऐसे में एक बार फिर बिग बॉस विनर को लेकर फैंस के बीच जंग छिड़ गई है, जहां एक तरफ कुछ यूजर्स आसिम को सही बता रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सिद्धार्थ के फैंस ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया है। खैर, अब ये तो बिग बॉस के हर सीजन की बात बन गई है कि विनर को लेकर घमासान होता ही है, लेकिन बावजूद इसके शो को हर बार दर्शकों का खूब प्यार मिलता है। टीम साउथ ब्लॉक डिजिटल।